नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र बोला और आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे गार्लिक यानी लहसुन के बारे में। दोस्तों गार्लिक यानी लहसुन एक ऐसी चीज है जो आसानी से हमारे घरों के किचन में मिलती है। हजारों सालों से गार्लिक का उपयोग कई सारी बीमारियों को ठीक करने में आ रहा है। और दोस्तों जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं, जो मेडिकल रिसर्च हुआ है, इसमें भी इस बात को मान लिया गया है कि गार्लिक एक सुपर फूड ही नहीं एक सुपर मेडिसिन भी है जो कई सारी बीमारियों को ठीक करने में काम करता है। दोस्तों गार्लिक को जब हम चॉप क्रश या चू करते हैं, चू यानी कि मुंह में के चबाते हैं, तब इसमें एक एलिसिन नाम का बायो एक्टिव कंपाउंड बनता है और ये एलिसिन ही हमें सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। फ्रेंड्स जो लहसुन का पहला हेल्थ बेनिफिट है वो है कोल्ड एंड फ्लू में। अगर आपको बार बार जुखाम बुखार होता है तो रोजाना गार्लिक लहसुन खाने से इन बीमारियों से आप काफी हद तक बच सकते हैं। अगर कोल्ड एंड फ्लू हो भी जावे तो इनके जो लक्षण है उनकी तीव्रता को कम करता है और 5 दिन के बजाय ये आपको 1.5 से 2 दिन में ठीक कर देता है। इसलिए अगर आपको बार बार जुखाम बुखार होता है तो इसे आप रोजाना ले सकते हैं। दोस्तों गार्लिक से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फायदा मिलता है वो हमें मिलता है हाई ब्लड प्रेशर में। इसमें जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उनसे वाइडनिंग ऑफ द आर्टरीज होती है, जो खून की नसें हैं वो चौड़ी होती हैं, उनमें डायलिटेशन होता है और जिससे ब्लड प्रेशर कम होने में फायदा मिलता है। रिसर्च में एक जो और बात पाई गई है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए गार्लिक की जो कलियां हैं, लहसुन की जो कलियां हैं, कम से कम 4-5 रोजाना लेनी होंगी और इन्हें हमें लेना होगा कम से कम 5 से 7 महीना लगातार, तब जाके ये फायदा दिखेगा, तब जाके ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गार्लिक हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, खासकर LDL कोलेस्ट्रॉल को, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसे भी ये कम करता है। दोस्तों गार्लिक हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के लिए काफी फायदेमंद है। यह हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है, यह हमारा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और खून को पतला रखने में, खून को थिन रखने में फायदेमंद है। इसमें कुछ ऐसे गुण पाए गए हैं जिनसे ये ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है, खून के थक्के बनने से रोकता है, जिससे ये हमारे हार्ट की बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक्स है और स्ट्रोक यानी लकवा है, हमें इन बीमारियों से भी बचाता है। गार्लिक लहसुन के अगले फायदे के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च जो हुई है गार्लिक के ऊपर, उसमें यह पाया गया है कि गार्लिक के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे सल्फर कंपाउंड्स हैं जो ट्यूमर के ग्रोथ को रोकते हैं, ट्यूमर इनिबिटिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इसलिए गार्लिक को कैंसर जो खतरनाक बीमारी है इसमें भी कारगर पाया गया है। दोस्तों रिसेंट स्टडीज में गार्लिक यानी लहसुन का उपयोग डायबिटीज यानी मधुमेह इस बीमारी में भी पाया गया है। दोस्तों डायबिटीज में क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं हमारे ब्लड में, हमारे खून में, और गार्लिक लहसुन में कुछ ऐसे बायोसल्फर कंपाउंड्स पाए गए हैं जो इंसुलिन लेवल को ब्लड में बढ़ाकर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, जिससे ये हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। फ्रेंड्स गार्लिक लहसुन का उपयोग कब कब कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब लहसुन का उपयोग किन किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए इस बारे में आपको बताऊंगा। जिन लोगों की सर्जरी होनी है, किसी प्रकार का ऑपरेशन होना है, उन लोगों को लहसुन ऑपरेशन के 2 हफ्ते पहले खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गार्लिक ब्लड थिनिंग एजेंट है, इससे खून पतला होता है और सर्जरी के समय अत्यधिक रक्तस्राव होने की संभावना हो सकती है, इसलिए इन लोगों को लहसुन 2 हफ्ते पहले अपने ऑपरेशन के खाना बंद कर देना चाहिए। जो स्त्रियां प्रेग्नेंट है और जो स्त्रियां अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उन्हें गार्लिक सावधानी से खाना चाहिए या बिल्कुल कम मात्रा में खाना चाहिए।
दोस्तों जिन लोगों को पेट में सूजन हो यानी गैस्ट्राइटिस हो, बड़ी आंत में सूजन हो जिन्हें हम कोलाइटिस बोलते हैं, अगर ये बीमारी हो या पेट में छाले हो, पेप्टिक अल्सर हो, तो इन लोगों को गार्लिक यानी लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो अपने चिकित्सक के राय के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों मैं स्वयं भी लहसुन का उपयोग हर रोज़ सुबह खाली पेट करता हूँ। 2 से 3 कलियाँ लहसुन की मुंह में लेकर उसे थोड़े चबा लेता हूँ। चबाने के पश्चात गर्म पानी के साथ निगल लेता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि लहसुन यानी गार्लिक के कितने सारे फायदे हैं, इसलिए आप भी गार्लिक को ले सकते हैं, बस थोड़े सावधानी पूर्वक लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो गार्लिक पर पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।